दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली की टीम को करारी शिकस्त देकर कोलकाता की टीम ने फाइनल मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली है और कोलकाता की शानदार टीम को देखकर महेंद्र सिंह धोनी ने अब फाइनल मुकाबले के लिए चेन्नई की टीम में इतना बड़ा बदलाव किया है कि नई टीम और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी कोई भी गलती नहीं करना चाहेंगे इस फाइनल मुकाबले में, जिसकी वजह से उन्हें इस गलती का अंजाम हार से चुकाना पड़े। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको क्या बड़ा बदलाव किया है महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की टीम में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कोलकाता और चेन्नई में से कौन सी टीम इस साल आईपीएल का खिताब अपने नाम करने में कामयाब रहेगी? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, 13 अक्टूबर को कोलकाता की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को करारी शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। कोलकाता की टीम ने इस मुकाबले में इतना शानदार खेल का प्रदर्शन करके दिखाया, जिसे देखकर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी काफी ज्यादा चिंतन में आ चुके हैं, क्योंकि कोलकाता की टीम इतनी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है कि वो इस फाइनल मुकाबले में चेन्नई और ट्रॉफी के बीच में एक बड़ी बाधा बन सकती है। इसलिए दोस्तों, इस बात को मद्देनजर रखते हुए चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टीम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। दोस्तों बता दें, 15 अक्टूबर को खेले जाने वाले कोलकाता के विरुद्ध फाइनल मुकाबले के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने प्लेइंग 11 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। दोस्तों बता दें, इस अहम मुकाबले के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने पहले ही टीम की प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। महेंद्र सिंह धोनी के अनुसार इस मुकाबले में टीम के सलामी बल्लेबाज संभालते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसिस, जिन्होंने अब तक बेहद शानदार खेल का प्रदर्शन करके दिखाया। वहीं तीसरे नंबर पर मोइन अली ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों, चौथे पायदान पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसमें सुरेश रैना की जगह महेंद्र सिंह धोनी चेतेश्वर पुजारा को खेलने का मौका दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। वहीं दोस्तों, पांचवें और छठे नंबर पर अंबाती रायडू और महेंद्र सिंह धोनी टीम के मध्यक्रम को मजबूती प्रदान करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा, जो टीम के सबसे शानदार और हरफनमौला खिलाड़ी हैं, वो बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में विपक्षी टीम के बरखच्चे उड़ाने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद दोस्तों, आठवें नंबर पर डीजे ब्रावो खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, अगर तेज गेंदबाजी की बात की जाए तो दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और जोश हेजलवुड अपनी तेज गति की गेंदबाजी से दिल्ली की टीम की धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या चेन्नई की प्लेइंग 11 कोलकाता को फाइनल मुकाबले में करारी शिकस्त देकर खिताब अपने नाम करने में कामयाब रहेगी या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।